मध्य प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सिरफिरे बदमाशों में इसका कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला इंदौर का है, जहां एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक घटना गुरुशंकर नगर की है। यहां रहने वाली 16 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा महुनाका स्थित शासकीय विद्यालय में 11वीं की छात्रा थी। शनिवार को वह अपने घर पर अकेली थी, छोटी बहन बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। छात्रा की मां ने बताया कि उनके घर के पास ही आरोपी छात्र रहता है, जो आते जाते उनकी बेटी को परेशान करता था और 18 साल की होने पर घर से उठाकर ले जाने की धमकी दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है सुरभि? सानिया डोगरे। कौन लगती है आपकी बेटी? लगती। क्या हुआ था, क्या कारण आया? ये शुरू में 26 जुलाई को परेशान किया था। हमारी किराने की दुकान थी, वहाँ पे परेशान किया था। जब हमने वहाँ पे थाने पे हवा बंगले थाने पे रिपोर्ट करी थी। किसने किया था परेशान? शुभम नाम के लड़के ने। क्या कहता था वो दुकान पे आके कुछ भी गाली गुप्ता करता था, छेड़छाड़ी करने कोशिश गाली गुप्ते बेवड़े उनको लाता था। हाँ, कौन है शुभम, क्या करता है, ये कहाँ करता है? ये पता नहीं क्या करता, वो बस इधर उधर घूमते हुए देखा था हमने। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पे? नहीं, नाबालिग है करके छोड़ दिया था। ले जाते उसको थाने में, वापस छोड़ देते। कल क्या घटना हुई? परसों के दिन हमारे घर तरफ वो आया था गली में। जुलाई में उस स्कूल जाती थी, पीछे लगा माऊ नाके तक आया था वो, तो परेशान करता था। तो फिर हमने स्कूल जा पहुँचाना बंद कर दिया था, तो फिर नहीं आती थी। बोले मम्मी मैं कैसे पढ़ूंगी, बोले ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, तो हमने नहीं पहुँचाया। फिर परसों फिर हमारे घर तरफ आने लग गया। तो कल मेरे को सुबह 12 बजे लगभग बोली कि मम्मी मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये कैसे आगे बढ़ने देगा, मेरे को रहना ही नहीं, बोलती बस इतना बोला मेरे को। और फिर क्या किया इसको? फिर मैं बर्तन कपड़े कर रही थी, बोले मम्मी आपको बर्तन मांजना है? मैंने कहा हाँ बेटा बर्तन मां, मैं आपको बर्तन बाथरूम में ला दूँ। सारे बर्तन मुझे बाथरूम में ला दिए, एक गिलास पानी भी पिलाया। फिर मैंने कहा बेटा मैं कपड़े छत पे सुखा के आ रही हूँ, तेरे को सोना तो सो जा, तेरी बहन है उनको तूने रात को 2 बजे तक पढ़ाया, सो जा बोला। तो बोले हाँ मम्मी मैं बिचोट वाली बहन के पास सो रही हूँ, इतना बोला। मैं कपड़े सुखाने गई, नीचे आई जब तक तो ऐसा कांड कर लिया। रस्सी से किचन में। वो भी 4 भाई बहन थे, ये सबसे बड़ी वाली बेटी थी। बच्चों को पढ़ाती थी? हाँ, 10th पास हो चुकी थी, छोटे भाई बहन को पढ़ाती थी, वो समझाती थी। हाँ, अच्छी थी पढ़ने में, अभी अच्छे नंबर से पास हुई थी। घटनाक्रम ये है सर, ये सानिया नाम की लड़की है, सानिया पिता किशोर, उम्र 16 साल, ये गुरुशंकर नगर की है। ये किस कारण फांसी लगाई ये अभी तक जांच का विषय है, पर यहाँ लेके आया तो MI से जो सूचना मिली उसके आधार पर बर कायम किया है और जांच मिली है। क्या करती थी लड़की? लड़की का पता नहीं अभी सर। तो परिजन से अभी से बात ही नहीं हुई पाया ऐसा। MI से जो सूचना मिली उसके आधार पर हम तो यहाँ पे PM कराने आए हैं। परिजन द्वारा आपकी कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, तो कुछ भी नहीं हुई बात। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अमित कुमार उइके, थाना द्वारकापुरी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।